देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सम्स. क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2. इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, फाइंड परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स विच आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स. यहाँ पर हमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया हुआ है 3:2. कंसिडर करते हैं पहले रफ वर्क आपको समझने के लिए. 3:2 जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स दिए हैं बॉयज इज टू गर्ल्स. अगर मैं इसको 3:2 के बदले 3x:2x कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स मिलेंगे, दैट इज 5x. बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स. फिर 30% ऑफ द गर्ल्स एंड 20% ऑफ बॉयज जो स्कॉलरशिप होल्डर है, मतलब बॉयज के 20% एंड गर्ल्स से 30% क्या है तो स्कॉलरशिप होल्डर. और मुझे फाइंड क्या करना है, तो ये परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर का है तो स्टूडेंट्स विच आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स, मतलब ये 3x में से 20% फाइंड करूंगी मैं. 3x इंटू 20% मतलब 20/100, तो वो हमें मिल जाएगा 6x अपॉन 10, या तो फिर ले सकते हैं 3x/5. ये है स्टूडेंट्स बॉयज जो स्कॉलरशिप होल्डर है. सेकेंडली गर्ल्स जो स्कॉलरशिप होल्डर है, दैट इज 2x इंटू 30%. 30% मतलब 30/100, वापस सेम आ जाएगा, आंसर विल बी 3x/5. तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स है बॉयज और गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर, उसको अगर हम लोग टोटल स्टूडेंट्स से निकाल दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स मिल जाएंगे. तो ये है हमारा सम का ओवरऑल सिनेरियो. सॉल्व किस तरीके से करेंगे, द रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स इज 3:2. क्या अज्यूम करते हैं, लेट द रेशियो बी 3x:2x. एक्स क्यों कंसिडर किया हम लोगों ने, ताकि हमें फाइनल वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल पाए. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी इक्वल्स टू 5x. बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स. ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. सेकेंड लेते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज विच आर स्कॉलरशिप होल्डर्स. Students which are scholarship holders. एक साइड बॉयज, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो 20% ऑफ बॉयज, दैट इज 20% 20/100 into 3x will be 3x/5. ये हो गए बॉयज जो स्कॉलरशिप होल्डर है. नेक्स्ट इज गर्ल्स विच आर स्कॉलरशिप होल्डर. ये इस तरीके से सॉल्व क्यों किया है, ताकि आपको पता चल सके कि ये दोनों को सॉल्व करने का मेथड इज सेम. हम लोग दोनों को एक ही तरीके से सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू होगा. 30% ऑफ गर्ल्स, दैट इज 30/100 इंटू 2x विल बी इक्वल्स टू अगेन 3x/5. ये आंसर कैसे आया, तो रफ कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लोग. 20% इज इक्वल्स टू 20/100 जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटू 3x.
21s are 20, 5s are, that will be equals to 3x upon 5. So, our final answer is. हमें मिल गया है बॉयज़ और गर्ल्स जो स्कॉलरशिप होल्डर है. अभी ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास में स्कॉलरशिप होल्डर है. टोटल स्कॉलरशिप होल्डर, ये हम लोग टोटल क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइंड करना है स्टूडेंट्स विच आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स. तो हम लोग इसका टोटल करके टोटल स्कॉलरशिप होल्डर्स को 5x में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है. टोटल स्कॉलरशिप होल्डर्स इज इक्वल्स टू 3x अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 5, दैट इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 5. ये भी किस तरीके से, तो LCM दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं. आंसर के हम लोगों ने तीन पार्ट जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वो सॉल्व कर लिए हैं. जैसे ही आपको आंसर्स मिले, आंसर के लिए भी आपको सारे स्टेप्स में अलग अलग सब डिविजन्स फाइंड करने हैं. जो ये सारे नंबर्स हमें आगे चल के चाहिए उसे इस तरीके से बॉक्स कर दे ताकि हम लोग उसी को डायरेक्टली फोकस कर पाए. फोर्थ स्टेप आपका क्या हो जाएगा, टोटल स्कॉलरशिप होल्डर को मैं माइनस करूँगी टोटल स्टूडेंट से. स्टेप नंबर फोर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर कैसे मिलेगा, टोटल स्टूडेंट्स माइनस इक्वेशन थ्री, थर्ड आंसर टोटल स्कॉलरशिप होल्डर. टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 5x, इक्वेशन फर्स्ट से मिला, और टोटल स्कॉलरशिप होल्डर है हमारे पास 6x प्लस 5. सारे वैल्यूज हम लोगों ने इस तरीके से पुट अप कर दिए, हमें एक ये आंसर चाहिए और दूसरा ये सॉल्यूशन से चाहिए. ये जो है वो डायरेक्टली माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 5x को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 5x अपॉन 1. तो यहाँ पर पहले हम लोग LCM निकालेंगे. LCM निकालने के लिए क्या करना है, तो ये 5 को यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5. हमारा आंसर 25x अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 5. अभी हम लोग LCM ले सकते हैं यहाँ पर 25x माइनस 6x अपॉन 5. तो ये जो है वो आंसर मिल जाएगा 19, 25 माइनस 6 इज 19, 19x अपॉन 5. ये है हमारे टोटल नॉट स्कॉलरशिप होल्डर. ये हो गया इक्वेशन 4. नंबर देना है इक्वेशन तो ठीक है, नहीं भी दिया फिर भी ठीक है, बस ये बॉक्स करना ना भूलें. एंड लास्ट हमें ये मिल गया आंसर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, लेकिन अभी हमें परसेंट फाइंड करना है. तो परसेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये हम लोग आंसर शॉर्ट डाउन कर देते हैं यहाँ पर, दैट विल बी 19x अपॉन 5. परसेंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, परसेंट ऑफ नॉन स्कॉलरशिप होल्डर
उसका लॉजिक चेक करें तो किस तरीके से होगा, हमारे पास क्लास में कितने टोटल स्टूडेंट्स थे, 5x स्टूडेंट्स थे, और नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हैं हमारे पास, 19x डिवाइड बाय 5। तो अगर हम ये 5x को 100% कंसिडर करें, 5x को 100% क्यों, क्योंकि पूरे क्लास में हमेशा मैक्सिमम बच्चे कितने होंगे अगर परसेंट में देखें तो 100%, इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर को हमेशा 100% ही कंसिडर करना होता है। तो 5x इज इक्वल्स टू 100%, देयर फोर 19x बाय 5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क दिया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, हंड्रेड इंटू 19x अपॉन 5, मल्टीप्लीकेशन का पार्ट, द होल डिवाइड बाई 5x इक्वल्स टू आंसर, 5 वन जा 5, 20 जा, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, 20 इंटू 19x अपॉन 5x, x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा x x कैंसिल, देन 5 वन जा एंड 5, 4 जा इज 20, फाइनल आंसर विल बी 4 इंटू 19, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा परसेंट में आएगा, 19 4 जा इज 76, 19 4 76, तो हमारा जो आंसर है दैट इज 76%, देयर फोर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 76% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स, इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, पहले टोटल स्टूडेंट्स के बाद ये जो 3:2 का रेशियो दिया था उसमें हम लोगों ने चेक किया कि परसेंट कितने हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद हम लोगों ने टोटल स्टूडेंट्स से स्कॉलरशिप होल्डर्स को हटा दिया तो हमें मिला नॉन स्कॉलरशिप होल्डर, दैट इज 19/5। फिर ये आंसर हम लोगों को कहाँ लगेगा, परसेंट फाइंड करने के लिए, परसेंट फाइंड करने के लिए 100 इंटू नॉन स्कॉलरशिप होल्डर डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट्स, और हेंस हमारे पास आंसर आ गया 76%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाई 10%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 16/21, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यहाँ पर हमें दिया है एक फ्रैक्शन जिसका मुझे ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है, जब भी नया वैल्यू 16/21 है विद द टू कंडीशंस, न्यूमरेटर हम लोग ले लेते हैं, सपोज लेट द फ्रैक्शन बी 1/x, 1/x क्यों, सिंगल वेरिएबल से हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन मिलना विल बी इजी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर न्यूमरेटर कंसिडर किया है 1 और डिनोमिनेटर कंसिडर किया है x। अगर हम लोग ये कंडीशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें 20% और 10% का, तो नया फ्रैक्शन जो है वो आता है 16/21, लिखेंगे इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड, डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज्ड बाय 10%, तो हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, 16/21, therefore fraction will be, ये जो 1/x है वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1+20%, 20/100 अपॉन x माइनस
10%, 10 by 100, तो ये हो जाएगा हमारा 60 by 20। ये हम लोगों ने परसेंट ऐड किया, 1 plus 20%, 20% मतलब 20 by 100, एंड यहाँ पर x माइनस x का 10%, इसलिए 10 divided by 100 into x। अगर ये इसे ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 plus 0.2, 20 divided by 100 is 0.2, x माइनस 0.1, x is equals to 16 by 21। ये हमारा आउटकम है ये रेशियो का। ऐड करने के बाद मिलेगा 1.2 divided by 0.9x equals to 16 by 21। ओवरऑल ऐड किया 1 plus 20%, तो आंसर मिलेगा हमें 1.2, एंड x माइनस 10% किया तो आंसर मिलेगा 0.9x। 1.2 upon 0.9x इक्वल्स टू 16 by 21। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल है उसे हटा देना है, ताकि डिवीजन जो है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो काफ़ी इजी हो जाए। तो इसको डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि दोनों में सिंगल डेसिमल है। तो ये हो गया 12 by 9x इज इक्वल्स टू 16 by 21। ये कट करें तो मिलेगा हमें 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट स्टेप वुड बी 4 upon 3x इज इक्वल्स टू 16 upon 21। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 into 4 इज इक्वल्स टू 16 into 3। 21 into 4 विल बी इक्वल्स टू 16 into 3x। एज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इसीलिए कॉन्स्टेंट नंबर और वेरिएबल का नंबर जो है, दोनों को मल्टीप्लाई करना विल बी पॉसिबल। आंसर मिलेगा हमें नेक्स्ट 21 4 is 84। सिंपली इसको ओरली कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, 20 into 4 विल बी 80, एंड 1 into 4 जो हो जाएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे, 84 इज इक्वल्स टू 16 3 ज़ा 48x। एक्स को यहीं पे रहने देंगे, 48 को डिवीजन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 84 upon 48 इज इक्वल्स टू एक्स। डिवाइड कैसे करेंगे, रफवर्क चेक कर लेते हैं एक बार। (84)/48, सबसे पहले डिवाइड बाय 4 करेंगे, दोनों को 4 से डिवाइड करना पॉसिबल है। 4 2 ज़ा एंड 4 1 ज़ा, यहाँ पर 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, 21 by 12। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 21 by 12 इज इक्वल्स टू एक्स। वापस 21 और 12 जो है वो 3 के डिविजिबल है, तो नेक्स्ट विल बी 7 by 4, देयरफोर x इज इक्वल्स टू 7 by 4। अगर ये सॉल्यूशन हम लोग देखें तो क्या हो गया, 1 by 2 का 12, 0.9 का 9x हो गया, जिसका फाइनल आंसर जो है, का फाइनल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 4 into 21 इज इक्वल्स टू 16 into 3x, दैट विल बी इक्वल्स टू 84 by 48 अप इज इक्वल्स टू x। देयरफोर x इज इक्वल्स टू 7 by 4। ये हम लोगों ने अभी सॉल्व करके देखा भी, x जो है वो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है, देयरफोर ओरिजिनल फ्रैक्शन 1 by x इज इक्वल्स टू 1 upon 7 by 4। 7 by 4 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 by 7। देयरफोर ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 4 by 7। ये हमारा सॉल्यूशन है फॉर द क्वेश्चन। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को लिखा 1 by x, न्यूमरेटर को ऐड किया 20%, डिनोमिनेटर से लेस किया 10%,
आंसर मिला डेसिमल में, डेसिमल हटाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 किया, डिवीजन किया कॉमन फैक्टर से, एक साइड x लाया और दूसरे साइड सारे कांस्टेंट नंबर्स, वापस दोनों को डिवाइड किया, x का वैल्यू मिला। x यहाँ पर डिनोमिनेटर में है इसलिए मैंने क्या किया, 1/x को 1/ सॉल्यूशन लिखा, फिर उसे रेसिप्रोकल किया और हमें मिल गया ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये था हमारा एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5। क्वेश्चन क्या दिया है, सलीम और जावेद का जो रेशियो है इनकम का रेशियो वो क्या है हमारे पास, 20:11। ये है ओरिजिनल रेशियो। अगर 3 साल के बाद इनके रेशियो में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे ना तो उनके इनकम का नया रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। तो मुझे ओरिजिनल इनकम फाइंड करना है सलीम और जावेद का। लेट द इनकम बी एक्स, देयरफॉर इनकम, यहाँ पर टोटल इनकम कंसिडर करें, इनकम ऑफ सलीम इज टू जावेद विल बी 20x/11x, क्योंकि 20 और 11 जो है वो रेशियो हमें दिया हुआ था। आफ्टर 3 ईयर्स, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है, आफ्टर 3 ईयर्स उनके इनकम में क्या चेंज हो रहा है, तो सलीम का इनकम, सलीम्स इनकम विल इंक्रीज बाई 20%, देयरफॉर उसका एग्जिस्टिंग इनकम जो है 20x, उस पर और 20% इंक्रीज हो रहा है 3 साल के बाद, तो उसका इनकम हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दे 20x + 20% ऑफ 20x। और जावेद का इनकम कितना बढ़ रहा है, जावेद इनकम विल इंक्रीज बाय 500 रुपीज। सलीम में मुझे परसेंट दिया हुआ है 20x का परसेंट लेना है, और जावेद में डायरेक्टली मुझे अमाउंट दिया हुआ है, तो उनका नया जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:2, उसे 3:2। उसे डिनोट कैसे करेंगे, 20x + 20% of 20x / 11x + 500। ये हो गया उनका इंक्रीमेंट का टर्म्स, फिर उसका रेशियो विल बी इक्वल्स टू 3:2। ये हो गया आफ्टर 3 ईयर्स उनका इनकम जो है वो इतना होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20x + 20% of 20x, तो ये होगा 20/100 × 20x, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर। एंड ये तो 11x + 500 इज कांस्टेंट, 3/2। नेक्स्ट 20 और ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4x, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 24x / 11x + 500 = 3/2। ये हमारे पास रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या करेंगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि एक्स और टर्म्स जो है वो हम लोग साथ में ले पाए। 24x × 2, 2 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 11x + 500 = 3। 24 2 is 48, 48x
थ्री जो ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 33x प्लस 1500, 5 3 15, xx एक साथ ले लेंगे हम लोग, 48x, 33 इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो है प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 33x इज इक्वल्स टू 1500. 48 माइनस 33 विल बी इक्वल्स टू 15. Therefore, 15x is equals to 1500. X यही रहने देंगे, 15 को डिवीजन में डाल देंगे, x is equals to 1500 upon 15. Therefore, x is equals to 100. ये मुझे x का वैल्यू मिल गया. अभी x का वैल्यू जो है मैं यहाँ पर ओरिजिनल रेशियो में डालूँ 20x और 11x के साथ, तो मुझे उनका ओरिजिनल इनकम जो है वो पता चल जाएगा. Therefore, इनकम ऑफ, हम लोग कौन सा इनकम फाइंड कर रहे हैं, ओरिजिनल, ओरिजिनल इनकम ऑफ सलीम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20x, दैट इज इक्वल्स टू 20 into 100, x के जगह पर 100 रुपीज डाल दिया, सलीम का इनकम विल बी 2000 rupees, एंड जावेद का इनकम इज इक्वल्स टू 11x is equals to 11 into 100, तो हो गया 1100. Therefore, original income of Salim and Javed is rupees 2000 and 1100 respectively. ये था question number 3.